हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, सहायक प्रोफेसर यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट आई है और ये अपॉर्चुनिटी आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एज लिमिट इसकी क्या होने वाली है, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है, ईच एंड एवरीथिंग। देखिए, सिलेबस के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, एज के बारे में बात कर लेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेंगे, सैलरी के बारे में बात कर लेंगे और गवर्नमेंट, ये तो गवर्नमेंट जॉब है, आपको भी ये बात पता है। तो जो भी जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है उनको तो एलिजिबिलिटी है, कुछ एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी भी चाहिए होगी तभी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे देखिए आपको ना एक बैनर दिख रहा होगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लें। जो लोग भी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सूचना है, वो स्क्रीनशॉट कर लें और पेमेंट वगैरह करके देखिए। यहाँ पे आपको ना रोज 1 घंटे की क्लास मिलेगी, रोज डेली दोपहर में आपको नून में जो है क्लास कराया जाएगा और 1 घंटे में हम लोग डिस्कस करेंगे रोज। आपको जो है एक्चुअली यहाँ से आपको दिख रहा होगा, हम लोगों ने कम्प्लीटली जो है रूटीन बांट करके रखा है कि कैसे क्या पढ़ना है रोज, और रोज पढ़ोगे तो मोटिवेट भी होगे। ये हुई पहली बात। दूसरी बात कि आपको करंट अफेयर्स, जीके, ये सब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस क्लास में पढ़ोगे, कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1 घंटा आपके लिए सफिशियंट होगा, पहली बात। दूसरी बात, हर संडे को आपको टेस्ट लिया जाएगा और ये सिर्फ 100 रुपए पर महीने में होगा, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसका फायदा आप ले सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपको कमेंट बॉक्स में जो है जो गूगल का फॉर्म है वो आपको मैं दे दूंगा, तो जो लोग गूगल फॉर्म भर सकते हैं वो ठीक है, अदरवाइज यहाँ से आपको व्हाट्सएप नंबर वगैरह तो दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसी को जो है हम लोग देख लेते हैं, इसे जाने नहीं देना है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ वैकेंसी कहाँ से आई है, कैसे आई है, कौन अप्लाई कर सकता है, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए एक और बात, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये जो है आपको देखने को मिल जाएगा, तो घबराने वाली बात है नहीं, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये जो है रिक्रूटमेंट निकाल दी गई है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। हाँ, एक और बात, टेलीग्राम पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट में नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैंने गूगल फॉर्म का दे रखा है, तो आप लोग क्या करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिएगा, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। 14,100 लोग वहां पे जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बड़ा नंबर होता है किसी भी टेलीग्राम चैनल के लिए, तो आप यहाँ पे हमारे साथ कनेक्ट जरूर हो जाए ताकि आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए होगी तो यहाँ से मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने बता रखा है कि TADA वगैरह आपको नहीं मिलेगा, अगर आप जाते हो इंटरव्यू वगैरह में तो आपको ये TADA वगैरह नहीं देंगे, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है आपको। अब मैं यहां से दिखा देता हूं, ये देखिए 500 रुपए का फी भी आपको लगेगा, यहां से आप जो है एक एक करके ध्यान में नोट करते जाइएगा, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। 500 रुपए जो है ओबीसी EWS कैटेगरी वगैरह के लिए जो है फी लगेगी 500 रुपए। इसके अलावा नो एप्लीकेशन फी विल बी चार्ज फ्रॉम द SC ST, अगर आप हैं PW हैं, अगर महिला हैं तो आपसे 1 रुपए का भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। फी वंस अपॉन पेड विल नॉट बी रिफंडेड एंड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, यानी कि अगर आपने एक बार ऑनलाइन फी पेमेंट कर दिया तो रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। आगे देख लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म हैव टू बी फिल्ड ओनली इन ऑनलाइन मोड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड पे ही ये अवेलेबल है, ऑफलाइन करने वाला झंझट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। UPI से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से जो है आप इसका पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, कुछ और बातें बताई गई है। मोर देन वन पोस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो अलग अलग आपको पे करना होगा, और एक्चुअली अगर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 500-500 दो बार आपको जो है करना होगा, 1,000 रुपए का पे करना होगा, ठीक है, और अलग अलग से अप्लाई करना होगा। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। इन ऑर्डर टू अवॉइड लास्ट मिनट रश, यानी कि आपको बोला गया कि फटाफट काम कर लीजिए, और किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो कॉलेज के दिए गए email ID में आप ईमेल करेंगे। अभी मैं आपको email ID भी दिखा दूंगा, सबसे पहले email ID ही दिखा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये देखिए, ये email ID रहा इनका, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी तो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अब आगे देखिए, कुछ और बातें बताई गई है वो मैं आपको दिखा देता हूं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ये क्या करेंगे, बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, और वहां पे आपको आधार, वोटर आईडी वगैरह लेकर जाना है, इंटरव्यू आपका होगा, एंड आफ्टर दैट अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, NOC लेना होगा, एंड आफ्टर दैट आप जो है यहाँ पे काम कर पाएंगे, तो ये इंटरव्यू के थ्रू आपका जो है सिलेक्शन कर लिया जाएगा, तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अब देखिए क्या क्या इन्होंने मांग रखा, स्कोर वगैरह कैसे बनेगा, इसकी भी डेटा इन्होंने दे रखी है। ग्रेजुएशन अगर आप 80% से ज्यादा लाते हो तो उसके लिए स्कोर बता रखा है। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप 80% वगैरह जो है यहाँ पे इन्होंने ये सब कुछ बता रखा है कि आप यहाँ से जो है इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, यहाँ से आप और कुछ चीजों को देख सकते हैं। MPhil PhD वगैरह करेंगे तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा, GRF नेट है आपका तो कितना मार्क्स मिलेगा, और अवार्ड वगैरह आपको मिला हुआ है तो कितना मार्क्स आपको मिलेगा, तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो टोटल स्कोर जो है 100 के अकॉर्डिंग मिलेगा, आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली उसका भी आप फायदा ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहां से, देखिए ये
ग्रेजुएशन ये इन्होंने बता रखा है, ठीक है, आप इसको आराम से देख लेना, घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं आराम से इस पीडीएफ को दे दूंगा। ये बहुत बड़ी पीडीएफ इन्होंने और बहुत डिटेल में बता रखी है, ये बहुत अच्छी बात है कि डिटेल में इन्होंने बता रखी है। सबसे पहले मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा, किसी तरह की दिक्कत आए तो इन मोबाइल नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये रहा वेबसाइट जहां से आपको ऑनलाइन करना है, sbsec.org पर, और ये NAC के द्वारा NAAC के द्वारा जो है ए ग्रेड मिला हुआ है। देखिए कई बार ना मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि काम कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो उनसे ना कई बार NCERT का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं इंटरव्यू में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कितनी छोटी बात पूछी जाती है, CBSE का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है और कई बार तो NAC का ही फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इन चीजों को ना छोटी छोटी चीजों को जो है अपने माइंड में रख लें, कभी भी एग्जाम में जो है या इंटरव्यू में जो है इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, ये भी पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे देखिए, सॉरी, ऑनलाइन के लिए उन्होंने अलग से पोर्टल रखा हुआ है, ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, यहाँ रहा ऑनलाइन का फॉर्म, ठीक है। और विज्ञापन के प्रकाशन के ठीक 21 दिन तक जो है ये ऑनलाइन रहेगा, यानी कि अगर 6 में अगर मैं 21 जोड़ दूं तो 27th जो नवंबर है यह अब तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, 27 नवंबर 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से विषय की रिक्रूटमेंट है, तो यहाँ पे देखिए गलत लिखा हुआ है, हिंदी मुझे दिख गया, यहाँ देखिए वाणिज्य लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे वाणिज्य होना चाहिए। खैर, इंग्लिश वाले एडवर्टीजमेंट को हम लोग देखते हैं, तो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी और पॉलिटिकल साइंस के लिए रिक्रूटमेंट आई है। बोलोगे इतने कम पोस्ट, तो जो रेगुलरली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको पता होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इतनी ही कम वैकेंसीज हमेशा से आती रही है, आपको कम लोगों में ही फाइट करके जॉब लेना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे इन्होंने बता रखा है सब कुछ। और ये एडवर्टीजमेंट देखिए कहाँ से आई है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, शहीद भगत सिंह संध्या महाविद्यालय जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, तो ये छोटा मोटा जॉब आपको नहीं मिलने वाला है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, सैलरी भी बम्फर है और ऑब्वियसली बड़े शहर में है तो डेफिनेटली आपको जो है एचआर वगैरह भी तगड़ा मिलने वाला है, दिल्ली में एक्सपेंस भी थोड़ा ज्यादा होगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों के पास एलिजिबिलिटी है, डेफिनेटली पीएचडी नेट वगैरह कर रखा है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बाकी जो लोग पीजी वाले, जो जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ ग्रेजुएशन करके आप छोड़ रखे हो, तो देखिए पीजी जरूर कर लें, आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर कर लें। और खास करके मैं अगर मैं बात करूं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के लोकल कॉलेजेस की, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में आसानी से एडमिशन हो जाता है, सीट वाली समस्या है नहीं, आराम से पीजी कर लें। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हैं, बीएड वगैरह कर रखा है आपने, तो डेफिनेटली आपको एक बार तैयारी के लिए जो है सोचना चाहिए, किसके बारे में, पीजी के बारे में। पीजी कर लीजिए, बैठे बैठे हो जाएगा और सब्जेक्ट पे नॉलेज भी बढ़ जाएगी आपकी, पीजी करोगे अपने ही सब्जेक्ट में तो सब्जेक्ट की नॉलेज भी आपकी बढ़ जाएगी, तो एग्जाम भी दोगे तो आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है। जाते जाते एक बार फिर से बता दूं, जो बीपीएससी TRE-4 की तैयारी कर रहे हैं यानी टीचर बनने की, उनके लिए स्कीम है, यहां से आपको दिख रहा होगा स्कीम क्या, एक आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि आप हमारे साथ पढ़ के जो है तैयारी कर सकते हैं। रोज एक घंटे में जो कॉमन पेपर है 40 मार्क्स का, उसकी तैयारी आपको यहां से कराई जाएगी, तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। बाकी तो जो भी चीजें आएगी वो आपके साथ साझा की ही जाएगी, टेलीग्राम पे जुड़ जाए और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वहां से आप हमारे साथ ऐड हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।